प्लान हमारी अपलाइन ने जो हमें दिखाया होगा, तो वेल्थ हमें पता है हमारी न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ कैसे ठीक रखती है। जो हमारे प्रोडक्ट है उनको यूज करेंगे तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। तो वेल्थ के लिए अभी मेरे, अभी मैं क्या बोलूं, ग्रेट स्पीकर क्राउन हस्बैंड ये आपको वेल्थ का प्लान बताएंगे। तो वेल्थ हमारी इस प्लान से ही चेंज होगी। बोलते हैं जे वाला प्लान ना 3% को भी यही प्लान दिखाते हैं, और जो क्राउन वेस्टर्न वो भी यही प्लान दिखाते हैं। इसी प्लान के साथ हमें जो फुल पैकेज है ना इसमें वो सारा मिलता है। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए इस प्लान में जो अच्छा लगेगा वो लिखिए और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे हमारी अपलाइन ने हमें दिखाया है और हम कर रहे हैं, वैसे आप लोग करिए। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, अभी मैं ये जूम पे अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, ये आपको प्लान दिखाएंगे और आप इसको देखिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। नमस्कार सबको, मेरा नाम सोहन, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ और हीरानगर से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं अपनी अपलाइन की सपोर्ट से, गुरुकुल की सपोर्ट से और टीम की सपोर्ट से। तो थैंक्स उस परमात्मा को जिन्होंने इतना अच्छा बिजनेस बनाया और हमें मौका दिया कि आप भी इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपसे कुछ बातें करूंगा, बातें आप रोज सुनते हैं और प्लान भी वही होगा, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं वही प्लान दिखाऊंगा जो मुझे दिखाया गया था। जैसे मैडम ने अभी बोला कि 3% और क्राउन इन्वेस्टर प्लान सेम है, इसकी ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि मतलब प्लान वही है और इसमें से सारी चीजें निकल के आ जाती है ना। तो प्रवीण सर एक मिनट आपने देखना है कि मेरा बोर्ड ठीक है। जी सर थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, अगर थोड़ा सा कैमरे की डायरेक्शन से। हाँ बिल्कुल जी जी, जस्ट हाँ अभी ठीक है, अब ठीक है जी सर, ठीक है अब। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, कोई टीचर नहीं हूं, जस्ट एक आइडिया मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था, मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपके साथ वो आइडिया शेयर करने वाला हूं। और ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है नए लोगों के लिए रहेगी, जिसने आज फर्स्ट टाइम जूम ज्वाइन किया है, मैं फिर से बताऊंगा मैं सेल्फ एम्प्लॉय था और बिजनेस मैन अपने आप को समझता था, मैं बहुत ही गलत रास्ते पे था, मुझे पता ही नहीं था। और ये प्लान देखने के बाद हमारी ना आंख खुल गई कि यार बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस में अंतर क्या होता है ना। और मैं आधे घंटे का प्लान करूंगा आपके साथ, आपने थोड़ा ध्यान देना है, स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है, हो सकता है आपको भी कोई बात क्लिक कर जाए जो हमें क्लिक करी है ना। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, पर इसका रिवार्ड्स बहुत बड़े हैं, मैं सारी क्लियर करूंगा आपके साथ। दोस्तों किसी भी काम को करने के पहले ना हमारा एक स्ट्रांग भाई होता है, जैसे कोई भी सब लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे एक भाई होता है कि हम किसी काम को क्यों करते हैं, वाई। दोस्तों ये इस प्लान में 90% रहेगा और हो इसका सिर्फ 10% है, वो 10 मिनट का काम है, ठीक है। वही क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, किसी भी काम को करने के पीछे ना एक चीज होती है, वो है पैसा, मनी। दोस्तों ये पैसा है ना, बड़े सारे लोगों से हम मिलते हैं, इसके बारे में लोग बात करते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो दोस्तों पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है ना, ये बात उनको समझ नहीं आती है, लेकिन जब प्लान देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है। दोस्तों पैसा, अभी पैसा है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, पैसे का क्या होता है। दोस्तों हर आदमी की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ नीड्स होते हैं, कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं। दोस्तों छोटी सी बात है, इसको आपने समझने की कोशिश करना है कि हम किस चीज के लिए काम करते हैं और हमें क्या मिलता है। जिस चीज के लिए हम काम करते हैं वही चीजें हमें मिलती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, 90% जो लोग हैं जिसमें हम सब लोग आते हैं, नीड्स के लिए काम करते हैं, और नीड्स क्या होती हैं, घर, हाउस। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और प्लान देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, पर ड्रीम के बारे में उनको नहीं पता है ना, जैसे मुझे नहीं पता था। अभी कार की बात करें, बड़े सारे लोग ऐसे हैं उनके पास कार है पर वो बड़ी लेना चाहते हैं, बड़े लोग ऐसे हैं उनके पास कार नहीं है वो लेना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं बैंक बैलेंस की, तो दोस्तों सब लोग चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा हो, चाहते हैं लेकिन सोचते कुछ और हैं। जैसे मैं बात करूं पेरेंट्स की हेल्प, दोस्तों सब लोग करना चाहते हैं तो क्या हम कर पा रहे हैं। दोस्तों ये सवाल है छोटे छोटे और खुद से कर रहे हैं, मैं अभी भी खुद से करता हूं। और क्या है दोस्तों, एजुकेशन, अपने बच्चों को हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हो सकता है आपके माइंड में हो कि कहीं मैं अच्छी जगह पढ़ाऊं। दोस्तों किसी की सिस्टर की शादी है, किसी की बेटी की शादी है,
किसी ने कोई कार का लोन लेके रखा है या कोई मंदिर बनाना चाहता है, ये सब नीड्स हैं और सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। दोस्तों मैं छोटी सी बात करूंगा, वो ड्रीम हम सबके हैं पर लेकिन पूरे कैसे होने हैं उसका रास्ता नहीं है। मैं दोस्तों सिंपल सी बात करूंगा, ये 90% जो लोग हैं जिसमें हम सब आते हैं, ये 90% लोग नीड के लिए काम करते हैं और नीड पूरी हो जाती है, पर एक 10% लोग हैं जी दोस्तों ड्रीम के लिए काम करते हैं और इनके ड्रीम पूरे हो जाते हैं। कैसे, मैं छोटी सी बात करूंगा। दोस्तों क्या होता है कि जो 90% लोग हम सब लोग क्या करते हैं, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज जीते हैं, LOC। कैसे, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, हम बाजार में जाते हैं कोई चीज खरीदते हैं, जो हमें पसंद आती है वो वहीं रह जाती है और जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है वो हम लेके आ जाते हैं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आप सोच सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, हमारी इनकम कम होती है और हमारी जरूरतें थोड़ी ज्यादा होती है, तो हम कहाँ आ जाते हैं, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज में। फिर हम बड़ी सारी बातें सुन लेते हैं, चटो परे जी कार क्या कर रही है, घर ठीक है, दो रोटियां ही खानी है। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, ऐसी बातें हम सुनते थे और वही कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। हुआ क्या दोस्तों कि ये जो 10% लोग हैं इनका सोचने का तरीका और है, ये लोग कभी ऐसा नहीं सोचते जैसा हम सोचते हैं। ये कैसा सोचते हैं यार, क्यों ना कुछ और किया जाए, है ना, थोड़ा सा कुछ और किया जाए। ये क्या करते हैं, अपनी इनकम के सर्कल को बढ़ाते हैं और ये क्या करते हैं, इनकम के सर्कल को अपनी नीड्स के सर्कल के बराबर करके पूरा करके, जब इनका पूरा हो जाता है फिर ये अपने ड्रीम पूरे करते हैं। और ये वाले लोग क्या करते हैं, छोड़ो परे कार क्या कर रही, पुरानी ले लेते हैं, है ना। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, जब इस बिजनेस से आने से पहले जो हमारी सोच थी हम वही थे, जो हमारी सोच थी हम वही थे। जैसे हम इस बिजनेस में आए, थॉट प्रोसेस में बदलाव आया। दोस्तों मैं आपको जो छोटी सी बात बताऊंगा, ये 10% लोग हैं ये लाइफ ऑफ चॉइस जीते हैं सिर्फ अपनी सोच की वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से। यहाँ पे लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, जहाँ पे लाइफ ऑफ चॉइस है। और ये एक सवाल है मैंने आपकी तरफ दिया है कि हम देख सकते हैं कि हम कौन सी साइड पे हैं, पर इस प्लान के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना वाई क्लियर करके कैसे हम इस बिजनेस को बढ़िया बना सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, सवाल अपने आप से करना है। मैं अभी भी करता हूँ यार, ये सोचने का तरीका बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। तो आगे मैं बात करूंगा, एक स्टेप है, मैं 4-5 स्टेप में ही कोशिश करूंगा क्लैरिटी करने की। दोस्तों अभी जो 90% लोग हैं, ये जो 10% लोग हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है। दोस्तों एक राइटर हैं, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, RTKS, मैं सिंपल लिखूंगा। दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी है, बिजनेस स्कूल, आप एक बार उस बुक को जरूर पढ़ना। अगर आप इस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं आप उस बुक को जरूर पढ़ना, और अगर आपका बच्चा अगर 10th से ऊपर है तो एक बार उसको जरूर रिकमेंड करना कि आप वो भी पढ़े। दोस्तों ये रॉबर्ट कियोसाकी हैं, ये कहते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को ना दो भागों में बांट दिया। फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। दोस्तों उन्होंने एक ए साइड है और एक बी साइड है, और इस प्लान के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम कौन सी साइड है। दोस्तों एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट में इम्प्लाई है और दूसरे हैं सेल्फ इम्प्लाई, और फिर से ये 90% में है, और 10% में है दोस्तों बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। दोस्तों ये भी सवाल है, इसी के बीच में अंतर है, सवाल का सवाल ही जवाब है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको बिल्कुल इजी लगे, अगर आपने नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइमर है, आप जरूर अपनी अपलाइन से मांगिए। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इम्प्लाई है, ये जो सेल्फ इम्प्लाई है, ये लोग अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए किसी के लिए काम करते हैं, पर ये जो बिजनेस मैन है, ये जो इन्वेस्टर है, ये अपने सपने पूरे करने के लिए किसी से काम करवाते हैं। सिंपल सा प्लान है, मैं आपके सवाल का जवाब ही बीच बीच में दे देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आंसर इसको आपको पता है ना, अगर आप बिजनेस में हैं, नहीं है तब भी आपको पता चल जाए। दोस्तों 90% लोग अपनी क्वालिफिकेशन को काफी हाई कर लेते हैं और काम कैसे होता है ये सीख लेते हैं, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, सब लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करना सीखते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो सैलरी मिलती है ना। और फिर इनके पास काम करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 आवर। और ये 10% लोग हैं, इनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं होती, होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती, ज्यादा टेंशन नहीं लेते उसकी, पर इनका वही क्लियर होता है जो हम इस प्लान के माध्यम से अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इनके पास भी 24 आवर है। दोस्तों ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि ये जो 10% लोग हैं उन्हीं 24 घंटे में लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट जीते हैं और ये लोग 90% लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज में रहते हैं। क्यों भाई, हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि इनके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका क्या है। फिर से मैं एक बार बताऊं दोस्तों, ये जो 90% लोग हैं ये बॉडी के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं और ये 10% लोग बॉडी के इस हिस्से से काम करते हैं। इतनी सी बात है दोस्तों। चलिए
अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि इनका काम करने का क्या तरीका है। जस्ट सिंपल दोस्तों, ये इम्प्लाई क्या करता है, टाइम लगाता है और पैसा बनाता है। अगर इसका टाइम जीरो हो जाए तो पैसा भी जीरो हो जाता है, दो पॉइंट है। अभी तीसरा क्या है, ये लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले हमें पता ही नहीं पता कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता था। अभी भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, आप ये मत सोचना, लेकिन ये लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। दूसरा बहाना, एक्सक्यूज, बहुत बहाने लगाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे पूछो तो पैसे भी नहीं है। मेरा भी यही हिसाब था इस बिजनेस से पहले, है ना। दूसरा, नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, गो फॉर जॉब, चाहे कारगर में ना हो, है ना, बैंक बैलेंस चाहे ना हो, नौकरी होनी चाहिए, शादी के लिए जरूरी है, 90% लोगों का पोजीशन तो यही है ना। चलिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जरूरतों के लिए काम करते हैं, नीड्स के लिए काम करते हैं। और कितना पैसा बनाएंगे, सिर्फ 10% मनी इनकी नजर में होती है, सिर्फ 10% मनी, और उतनी ही आती है। चलिए दोस्तों, अभी हम इनकी बात करते हैं, 10% लोगों की, ये कैसे काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टाइम को कंपाउंड करते हैं, टाइम कंपाउंडिंग, एक ही दिन में हजारों घंटे काम, है ना। दूसरा, ये कभी भी दोस्तों एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, डुप्लीकेशन करते हैं, डुप्लीकेशन, और काम मिल जाए देखो करते हैं। और तीसरा, ये लोग पैसिव इनकम में क्रिएट करते हैं दोस्तों, पैसिव, इनकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी इनको पैसा आता है ना, वो उस पर होते सिर्फ 2% है। चलिए दोस्तों, आगे मैं बात करूं, आप इनको प्लान दिखाओ, ये कभी बहाना नहीं लगाएंगे, रीजन देख लेंगे कि अगर मैं करूंगा मुझे फायदा क्या होगा, ठीक है। और दूसरा, जी कभी जॉब पे नहीं जाते, क्रिएटर होते हैं, क्रिएट जॉब्स, मैंने पहले ही बताया कि ये 90% लोगों को चूज करते हैं कि आप जॉब करो हमारे पास, है ना जी, इनका माइंड कुछ इस टाइप का होता है। दूसरा, ये दोस्तों अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं, किसके लिए करते हैं, ड्रीम, अपने सपनों के लिए काम करते हैं, और इनकी नजर में 90% मनी होती है, 90% पैसा इनकी नजर में होता है, और उसी के हिसाब से इनके पास आता है। दोस्तों ये चार क्वाड्रेंट हैं लीगल तरीके से पैसा बनाने के, जो मैंने आपको बताया। और काम करने का तरीका क्या है, अगर आप ए वाली साइड हैं दोस्तों, फिर से सवाल का जवाब बीच में ही मैं देने की कोशिश करूंगा, अगर आप ए साइड हैं आपको बी साइड आना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, लाइफ आप सिग्निफिकेंट चाहते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा, हमारे एक डायमंड है प्रियमत जी, आईएएस ऑफिसर थे, बड़ी अच्छी जॉब थी उनकी, वो कहते हैं कि 40 लाख से कम टैक्स देने वाला मेरे ऑफिस में नहीं आता था, कितनी बढ़िया बात है। और दूसरा उन्होंने बताया कि उनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, और वो तो 3-4-5 लाख चाहते थे, इसलिए डायमंड गए। दोस्तों चाहत आपकी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, कैसे होगी मैं जस्ट आपको बताऊंगा। दोस्तों ये क्वाड्रेंट है, अगर हम पहले वाले क्वाड्रेंट में हैं रिच नहीं बन सकते, अगर आप दूसरे वाले क्वाड्रेंट में तब भी आप रिच नहीं बन सकते। अगर आप रिच बनना है, आपको लाइफस्टाइल लेना है, तो आपको सी वाले मतलब वी क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, आपको यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस बन जाएगा तभी दोस्तों आप इन्वेस्टर बनेंगे। दोस्तों 2% लोग इनके लिए पैसा काम करता है, जो बिजनेस होता है उनके लिए लोग काम करते हैं, और लोग सारे 90% से निकल के आते हैं। तो क्या करना है, हमें थोड़ी सी चेंज करनी है, और किस में आना है, 10% में आना है। ये दोस्तों दो पॉइंट थे आप मतलब वाई क्लियर करने के। दोस्तों मैंने सिंपल छोटी छोटी बातें बताई हैं मैंने आपको, और इन्हीं के बीच में दोस्तों प्लान है सारा। अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। एक चीज और मैं बता दूं कि दोस्तों हमें इस बिजनेस को करने की क्यों जरूरत है ना, वही क्लियर करने के लिए। यही रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ये दोस्तों बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बताया कि 1940 में एक परिवार को सिर्फ 10 रुपए चाहिए थे, तब सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान और 10 रुपए से पूरा हो जाता था। दोस्तों 1960 में उस परिवार को 100 रुपए की जरूरत पड़ी। ये दोस्तों बड़ा एक अच्छी बड़ी सिंपल बात हमें प्लान समझने की जरूरत है। जैसे मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझा रहा दोस्तों, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताता हूँ कि ये प्लान दिखाने से आप रिच बन सकते हो। दूसरा दोस्तों 1980 में ठीक 20 साल बाद दोस्तों 100,000 रुपया बहुत अच्छी अमाउंट थी, है ना। पर 2000 की अगर बात करें तो दोस्तों 2000 में 10,000 रुपया एक अच्छी अमाउंट मानी जाती थी। जो लोग बनाते होंगे उनको कभी पूछना, पर लेकिन 2000 की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी 2020 की बात करें, जब हमारी अप्लाई ने हमें प्लान दिखाया तो उन्होंने बोला कि अब अगर आप 1 लाख रुपया बना रहे हैं तब भी आपको इस बिजनेस की जरूरत है, से 5-6 साल पहले की जरूरत है। उन्होंने बोला कि अगर आप 1 लाख रुपया महीने का बना रहे हैं तब भी आपको इस प्लान की जरूरत है। क्यों जरूरत है दोस्तों, उन्होंने एक बात और लिखी थी, देखिए उन्होंने बोला था कि जब
2040 जब आएगा तब जहां पे क्वेश्चन मार्क था वो लिखते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने मिटा दिया। अब बताओ दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है। जहां पे दोस्तों सीधा सा आ जाता है 10 लाख। और दोस्तों अगर ये वाली फिगर हमारी अपना ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई इस बिजनेस को प्लान दिखाते वक्त, उन्होंने बोला कि दोस्तों जो बंदा 1 लाख रुपया बना रहा है ना उसको 1.5 लाख की जरूरत है, इसलिए उसको प्लान दिखाना है, और जो 1.5 बना रहा है उसको 2 लाख की जरूरत है, इसलिए उसको प्लान दिखाना है। बहुत अच्छी बातें दोस्तों उन्होंने बताई हमें, तभी हम इस बिजनेस में स्टेबल है। और दूसरी अगर हम बात करें, और किसी का भी दोस्तों वही क्लियर करने के लिए आप बताइए तो सही, पूछिए तो सही। अभी आप अपने आप को पूछ रहे होंगे यार बात तो सही है, ये वाली फिगर अगर हमें टच नहीं करती तो हमारे लिए इससे बड़ा प्लान और क्या हो सकता है ना। समझ लो हम ड्रीमर नहीं है, तो हमें ड्रीमर बनना पड़ेगा। ये हमें डेलिब्रेटरी हमें ये जो फिगर है हमें ड्रीमर बना देती है। तो चलिए हम आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 स्टेप मैं बताऊंगा आपको भाई क्लियर करने के लिए, अगर हो गया तो लाइफ चेंज है ना। चलिए दोस्तों आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। ये प्लान की हम बात करें, अभी मैंने 2-3 बातें बताई कि हमारा वही क्लियर हो गया इस बिजनेस को हमें कैसे करना है ना। अभी दूसरी हम बात करते हैं कि करना क्या पड़ेगा। मैं कुछ रिवार्ड बताऊंगा इस बिजनेस के, अगर आपका यहाँ पे वही हो सकता है आपके पास जो चीजें जहाँ पे बताई गई सब सफिशियंट है, लेकिन मैं रिवार्ड लिखूंगा इस बिजनेस के, रिवार्ड्स लिखूंगा, हो सकता है आपको कोई चीज अट्रैक्ट कर जाए है ना, जैसे हमें करी थी। दोस्तों सबसे पहला ये प्लान दिखाने का रिवार्ड है, आपके पास मनी फ्रीडम होगी अगर आप प्लान दिखाएंगे, मार्कर पकड़ेंगे प्लान दिखाएंगे मनी फ्रीडम होगी। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, मनी के साथ साथ आपको पैसा खर्च करने के लिए टाइम फ्रीडम भी मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोस्तों आपको मिलेगी। जिंदगी वो 2% के लोगों के पास होती है, पैसे के बारे में कभी उनको सोचना नहीं पड़ता। तीसरा रिवार्ड दोस्तों इसमें रिकॉग्निशन, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे कि यार वो फलाना बंदा, जैसे हमारे अपलाइन डॉक्टर विजय जसाथिया जी हैं, विवाल से हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानते हैं, कितनी बढ़िया रिकॉग्निशन है ना। और दूसरी अगर मैं बात करूं आपको दोस्तों, गुड हेल्थ, आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी सबसे पहली बात, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रीलाइट। और दोस्तों बहुत ही अच्छा ये रिवार्ड है, वर्ल्ड ट्रैवल, आपको अपनी अपलाइन के साथ घूमने का मौका मिलेगा इसमें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ये शेयर रिवार्ड अगर आप ले रहे हैं तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हेल्प अदर्स, सातवां रिवार्ड, आप किसी को इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं कि देखिए ये चीजें सारी हमें मिल रही हैं, आप भी ले सकते हैं, आइए हाथ मिलाइए हमारे साथ, हम इस बिजनेस को मिलकर बिल्ड करते हैं है ना। तो हमारे अपलाइन कहते हैं कि अगर आप इसमें से एक चीज को चुनते हैं है ना, वैसे आप जॉब पे जाते हैं क्या आपके पास सारी चीजें हैं, फिर से क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन मार्क, खुद से पूछना है। अगर आप जॉब पे जाते हैं आपकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपये हो सकती है, क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं, है ना, सवाल पे सवाल आ रहे हैं पर जवाब भी आ रहे हैं, अगर आप सिस्टम में हैं तो आपको जवाब भी साथ साथ में मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें उन्होंने बोला कि अगर आप एक चीज के लिए 2-3 घंटे इन्वेस्ट करोगे तो आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी बाई डिफॉल्ट। ये इस प्लान, इस बिजनेस की एक क्वालिटी है, खूबी है ना, ये सारी चीजें आपको इकट्ठी मिलेंगी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर ये आम लाइफ में पॉसिबल नहीं है माई फ्रेंड्स, ये आम लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप सब जानते हैं। चलिए ये रिवार्ड हम कैसे ले सकते हैं, छोटी छोटी बातों में बताने की कोशिश करना दोस्तों, जो भी आप कर रहे हैं ना वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर रहे हैं, पर अगर आप उसी में से पार्ट टाइम में 1-2 से लेके 3 घंटे अगर आप डेली इसमें लगाएंगे, डेली बेसिस पे 2-3 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे लगाएंगे, 6-12 महीने इसमें लग जाएंगे, आप लर्न कर लेंगे, आप सीख जाएंगे। और सीखते सीखते क्या होगा, सीखते सीखते दोस्तों एक छोटा सा एक मतलब मैं आपको बताऊं कि इसमें एक लेवल निकल के आता है, जैसे अभी थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, सीखते सीखते आपको एक लेवल मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टार 15%, जहां पे आपकी इनकम 40,000 रुपया पर मंथ हो सकती है। मैंने नहीं कहा कि होगी, हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। अच्छा मतलब अगर मैं जो LOC वाला बताया था, अगर आप कुछ कर रहे हैं पहले वाले काम के साथ पार्ट टाइम में, अगर आप इस बिजनेस को सीखते हैं बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, अगर आपको 40,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा तो कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है, क्या हो सकती है, आपकी गाड़ी की किस्त निकल सकती है, आपके बच्चों का थोड़ी गाड़ी मतलब अच्छे से चलना शुरू हो सकती है। अगर 40,000 आप बना रहे हैं, 40,000 रुपया आपको और आना शुरू हो जाता है तो कैसा लगेगा, जैसे सवाल अपने आप से फिर से, और जवाब आप जानते हैं दोस्तों। टाइमिंग सेम 2-3 घंटे करना है, बट डेली बेसिस पे करना है,
और एक से लेके दो साल अगर आप रेगुलर करेंगे तो लर्न लर्न प्लस टीच दोनों चीजें आप सीखना भी पड़ेगा और जो पता है वही बताना है और बताएंगे तो आपको फिर से एक लेवल मिलेगा, उसको बोलते हैं प्लेटिनम। और आपकी इनकम 1,00,000 रुपया पर मंथ हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, 1,00,000 रुपया हो सकती है। और यहाँ पे आपको एक ट्रिप मिलेगा, मैं पहले बता दूं यहाँ पे ट्रिप मिलता है 5-स्टार होटल का, और वहां जब आप जाते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि आप ये वाली इनकम कैसे ले सकते हैं। बहुत प्यारी टीचिंग होती है दोस्तों। दूसरी अगर मैं बात करूं टाइमिंग दोस्तों सेम लगना है, 2 से लेकर 3 घंटे पहले वाले काम के साथ साथ अगर आप डेली करेंगे और 2 से लेकर 3 साल अगर आप कंसिस्टेंटली, मैं लिख देता हूँ कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली अगर आप करेंगे तो जो आपने सीखा है वो सिखाना है तो क्या मिलेगा आपको एक लेवल मिलेगा उसको बोलते हैं एमराल्ड। और आपकी इनकम 2.5 से लेकर 3 लाख रुपया पर मंथ हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। थैंक यू दोस्तों, हमारे अपलाइन फाउंडर एमराल्ड हैं और इससे कहीं ज्यादा इनकम बना रहे हैं और हम उनकी एसोसिएशन में इस काम को कर रहे हैं इसलिए सक्सेसफुल है। दूसरी मैं बात बोलता हूँ दोस्तों टाइमिंग सेम पहले वाले काम के साथ साथ 2 से लेकर 3 घंटे करना है बट डेली बेसिस पे करना है और 3 से लेकर 5 साल अगर आप इसको कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली कर पाए तो इसमें एक पिन निकल के आती है उसको बोलते हैं डायमंड। और इनकम दोस्तों जो मैंने पहली बार बताया था कि 10 लाख रुपया आप 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख इवन कि आप 10 लाख रुपया महीने का बना सकते हैं दोस्तों। इतना पोटेंशियल लेवल बिजनेस है, इतना पोटेंशियल लेवल ये प्लान है। सबको तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा पर लेकिन हमारे जो अपलाइन है जो इसमें सिल्वर एंड बाप है वो इस बात को समझते हैं जिन्होंने फंक्शन देखे है ना। तो मैं प्लान को बिल्कुल रिलेट करने की कोशिश करूंगा शुरू से लेकर एंड तक। तो दोस्तों अभी कुछ वो नए लोग इस बिजनेस में इस मीटिंग में ज्वाइन होंगे, मैं थोड़ा सा उनको जरूर लग रहा होगा कि ये पैसा इतना आएगा कहां से, और उनका जो सवाल उनके मन में चल रहा है वो बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए, अगर होगा तभी तो जवाब मिलेगा है ना। चलिए दोस्तों मैं बताऊंगा कि दोस्तों ये सारा पैसा जो मैंने आपको बताया कहाँ से निकल के आएगा, कैसे वो 10% लोग रिच होते हैं और उनको रिच कौन करता है, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं सिंपली बता देता हूँ दोस्तों, इस बिजनेस में हम सब लोग आम लाइफ में कस्टमर होते हैं और कस्टमर क्या करता है पैसा बनाता है, जॉब के थ्रू बनाता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है या जो भी उसका प्रोफेशन उससे पैसा बनाता है, पर कुछ पैसा वो एक्सपेंडिचर उसका जो मार्केट में खर्चा करता है ना, वो उसका खर्चा है ही है, वो होना भी होना है। देखिए दोस्तों ये कस्टमर क्या करता है, इसकी कुछ नीड्स होती हैं, ये बाजार से खरीद के लाता है जहाँ पे एक रिटेल शॉप है, जहाँ पे एक होलसेलर है, ये प्रोडक्ट बेचता है पर ये घर नहीं बनाता, ये होलसेलर से लाता है और होलसेलर कहीं CNF से लेके आता है और CNF कहीं एडवर्टाइजर जॉबर से लेके आता है। ये दोस्तों एक मार्केट बीच में है और जहाँ पे अल्टीमेट फैक्ट्री है दोस्तों, यहाँ पे सारा प्लान क्लियर हो जाता है, यहाँ तक वही क्लियर हो जाता है कि पैसा कैसे बनेगा और आता कहाँ से और पैसा जा कहाँ रहा है और आप कैसे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों ये कस्टमर है, इसकी कुछ घर में यूज करने वाली चीजें ये यूज करता है, वो क्या चीजें हैं नए लोगों के लिए मैं बोलूंगा दोस्तों, सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोता है, अपना साफ करते हैं, शैम्पू पेस्ट, ये सारा चीजें आपका एक्सपेंडिचर है। किसी के घर का 2,000 हो सकता है, किसी के घर का 3, किसी का 5, किसी का 10 और किसी का 20 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर इनकम या अकॉर्डिंग टू योर नीड्स है ना। तो ये कस्टमर क्या करता है, खर्चा करता है इस मार्केट में। मैं आपको बताऊं दोस्तों ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री सिर्फ 2% लोग लगाते हैं जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट जीते हैं, 2% लोग लगाते हैं फैक्ट्री दोस्तों। पर ये पैसा कहां से लेते हैं, मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा। ये कस्टमर अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करा देता है बैंक में और ये फैक्ट्री वाले 2% लोग वही पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्याज देके इंटरेस्ट लेके वो पैसा उठाते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डाल देते हैं। तो कोई चीज दोस्तों ये कस्टमर जब खरीदता है उसी फैक्ट्रीज में बनी हुई 2 से लेकर 3 रुपए की चीज फैक्ट्री में बनती है, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, पर आपको कितना का मिलता है 10 रुपए का। 10 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, हम सब लोग खर्च करते हैं, पर दोस्तों अगर ये कस्टमर 100 रुपया खर्चा करेगा तो मार्केट में वो चीज बननी थी 30 रुपए की, इस कस्टमर के 70 रुपए इस मार्केट में चले। दोस्तों ये मार्केट को बुरी नहीं है, इसको बोलते हैं मिडल मैन मनी। दोस्तों अभी आपने देखना है कि 1,000 रुपया अगर ये कस्टमर एक्सपेंडिचर करता है, मार्केट में खर्चा करता है
जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बना था 300 रुपए का, पर इसकी इनकम का कितना चला गया 700 रुपया। इसलिए दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि अगर कोई 1000 रुपया रोज का बनाता है तो उसमें 10-15 घंटे डालता है, कितना डालता है 10-15 घंटे, 10-15 घंटे इस कस्टमर ने लगाए मार्केट से वो चीजें लेके आया वो 300 रुपए की थी, तो क्या हुआ 300 रुपए के प्रोडक्ट उसने अपने घर में लाए और उसकी उसका टाइम और पैसा कहाँ चला गया। फिर से मैं लिख देता हूँ, ये 10% लोग हैं जो पैसा बनाते हैं, पर इस कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है ये कैसे रिच बन सकता है। चलिए दोस्तों मैं बताऊँ, अगर ये कस्टमर 10,000 का खर्चा करता है तो इस मार्केट में 7,000 जाएगा, मार्केट में वो चीजें बनी थी 3,000, तो हम अगर कैलकुलेशन करें एक साल की तो 84,000 एक कस्टमर का 10% लोगों के घर में जा रहा है। कौन दे रहा है दोस्तों? आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, और वो आपका पैसा है, आपने हार्ड एंड हार्ड अपना टाइम डाला था, अपनी एफर्ट्स आपने करी थी, पैसा वहां चला गया। दोस्तों 1959 में दो दोस्तों का ये प्लान है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कस्टमर के बारे में सोचा, यानी कि मेरे बारे में उन्होंने सोचा कि अगर ये कस्टमर के ड्रीम है तो क्यों ना कंसेप्ट बनाया जाए, ड्रीमर्स का कंसेप्ट है। दोस्तों उन्होंने सोचा कि अगर ये पैसा जहां पे जा रहा है, उन्होंने क्या चेक किया कि अगर ये कस्टमर इस मार्केट से प्रोडक्ट ना खरीदे तो क्या ये मार्केट चलेगी? दोस्तों नहीं चलेगी। चलिए ये कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, अगर ये फैक्ट्री प्रोडक्ट ना बनाए तो क्या वो मार्केट चलेगी? नहीं चलेगी, आप सब जानते हैं। तो उन दो दोस्तों ने रिच एंड जे क्लैप कर सकते हैं आप उनके लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस अपना रखा, उन्होंने बोला कि हम इस कस्टमर को रिच बनाने के लिए हम एक फैक्ट्री लगाएंगे, पर हम इनको वो चीज नहीं देंगे, क्वालिटी टॉप होगी, पर हम क्या करेंगे इस कस्टमर को वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये अपने घर में यूज करता है, फील करता है, अगर ये सेहत बढ़िया रखना चाहता है तो प्रोडक्ट वो उस हिसाब से बनाए हैं उन्होंने। तो कैसे हम कर सकते हैं दोस्तों, 84,000 आपका यहाँ पे जा रहा है, दोस्तों बचाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल बचाना चाहिए, पर दोस्तों आज तक ना कोई पैसे बचा के कभी रिच नहीं हुआ है, आप सब जानते हैं पैसे बचा के आज तक कोई रिच नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो सब लोग रिच होते, पर पैसे कमा के दोस्तों लोग रिच हो सकते हैं। कैसे बन सकते हैं पैसे, चलिए मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूँ। कॉर्पोरेशन कहती है कि अगर आपके ड्रीम है तो आइए आप डायरेक्ट सेलिंग में, एक कंसेप्ट उन्होंने बनाया 1959 में, डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट दोस्तों उन्होंने बनाया था और आज तक चल रहा है, और उसके बाद तो और बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन ये अपने तरीके से ही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब मैं बताऊं दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और उन्होंने बोला कि इस कस्टमर के अगर ड्रीम है तो हम इसको मौका देंगे, ये यहां से रिच बन सकता है ना। कैसे बनेगा, उन्होंने बताया कि आपको क्या बनना है, ADST एमबे डायरेक्ट सेलर पार्टनर। आप कैसे बनेंगे, सिंपली दोस्तों आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते लेकिन आप फैक्ट्री का मालिक बन सकते हैं। कैसे, आपने सिंपल अपना एक आईडी प्रूफ देना है, एक आपने ईमेल देनी है और एक आपने अकाउंट नंबर देना है, तो क्या हो जाएगा आप इस बिजनेस में ADST बन जाएंगे, एम्बेडेड सेलर पार्टनर बन जाएंगे। आपने अपना एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे कर रहे थे वो आपने यहाँ पे करना शुरू कर देना, जैसे वो करेंगे क्या मिलेगा आपको दोस्तों, पहले मिलेगा आपको 8 से लेके 10% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा MRP से जितना भी होगा, और 8 से लेके 10% तक आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा, और 5% आपको CSI मिलेगा, कस्टमर सेल इंसेंटिव, मतलब कहेंगे आपको यूज करने के ऊपर 21% मिलेगा, काफी है, इससे थोड़े से पैसे आपको 84,000 में से कुछ पैसे आपके बच जाएंगे, पर इससे आप रिच नहीं हो सकते। कंपनी ने बोला कि अगर आपने इसके प्रोडक्ट लिए हैं, अगर आपने अच्छे आपने यूज किए, आपने फील किए हैं, अगर आप अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली अगर बताएंगे तो आपको एक चीज और देंगे, 3% से लेकर 21% तक आपको एक परफॉर्मेंस बोनस देंगे, वो भी आपको मिलेगा। पर उन्होंने बोला कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई, आपने अच्छे से इसको समझ लिया कंसेप्ट को, पर अगर आप किसी को बताएंगे तो आपको 6% एक और दे देंगे लीडरशिप बोनस, लास्ट में क्लियर करूंगा, है ना। तो वो कैसे हो सकता है, जैसे अभी कितना हो गया 21% आपको यूज करने के ऊपर मिलेगा, यूज करेंगे हेल्थ बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली, जैसे कार्डिनल रूल में बताया जाता है, 4 बेसिक है ना, 9 कोर स्टेप में बताया जाता है, अगर सिस्टमेटिकली हम करेंगे तो 21% और मिलेगा 3% से लेकर, और अगर आप किसी को टीच कर देंगे सिस्टमेटिकली अपनी अपलाइन और गुरुकुल की सपोर्ट से तो आपको 6% और मिलेगा। वो कैसे मिलना है वो अभी मैं आगे बताऊंगा, आगे वाले स्टेप पे बताएंगे, अभी हमारा वही क्लियर है कि पैसा कहाँ से आएगा, बनेगा कैसे, अभी बात चलते हैं कैसे बनेगा, है ना। ये तो 10% है, अभी 10-15 मिनट में हम खत्म करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, मैं ना कोई टीचिंग नहीं, सिंपली जो मुझे बताया गया था मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई टीचिंग नहीं और मुझे टीच करना आता भी नहीं है सच में बताऊं तो। अभी मैं अभी आपका अगर कोई ड्रीम है तो मैं यहाँ पे नए पर्सन के लिए जहाँ बताऊंगा दोस्तों, अभी ये बिजनेस बड़ा कैसे होगा, ये दोस्तों आपका घर है,
यहाँ मैं आप लिख देता हूँ, आपका मतलब उसमें मैं भी आ गया, पूरी कायनात आ गई है ना, कोई भी यहाँ पे समझ सकता है। यहाँ पे दोस्तों एक सक्सेसफुल टीम है जो इस बिजनेस के साथ सबमिटेड है, कमिटेड है, जहाँ पे है दोस्तों एमवे कॉर्पोरेशन, आप क्लैप कर सकते हैं, एमवे कॉर्पोरेशन है, और जहाँ पे दोस्तों है गुरुकुल, गुरुकुल दोस्तों, ये दो चीजें हैं। और तीसरी दोस्तों यहाँ पे पहले आपकी अपलाइन है जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया, और वो चाहते हैं कि जो रिवार्ड उनको मिल रहे हैं वो आप सबको मिले, ठीक है, ये बात समझनी है। और ये दोस्तों यहाँ पे 100% सबमिटेड है, 100% यहाँ सबमिटेड है जी। एमवे के प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, फील भी करते हैं, और जहाँ पे सारी बातें यहाँ से सीखते हैं जैसे हम सब सीखते हैं। और दूसरा ये आपको बीच में ले आए हैं कि आप भी आइए, प्रोडक्ट यूज करिए, गुरुकुल की सीढ़ी सुनिए, और हाथ मिलाते रहिए, नजरें मिलाते रहिए, बातें करते रहिए बिजनेस को लेकर, कोई और भी कोई आपके पास है ना। तो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अपना हमने क्या करना है, अपना एक्सपेंडिचर डालना है, कोई हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपके घर में बड़ी सारी चीजें यूज होती हैं, वो चीजें दोस्तों हमने यहाँ से चेंज, अपनी शॉप चेंज करनी है। और बिजनेस शुरू करना है दोस्तों कैसे होगा, आप दोस्तों दो तीन चीजें आप 5,000 से कर सकते हैं, आप 10,000 से कर सकते हैं, पर अगर आप फास्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसको 20,000 से भी कर सकते हैं, पर आप अपने अपना इनकी सलाह जरूर ले लीजिए, और अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप 20,000 से शुरू करिए, बैठिए उनके पास दोस्तों, अगर आप शुरू करना चाहते हैं 20,000 से शुरू करिए, सीखना शुरू कर दीजिए, और एक लिस्ट बनाइए कैसे दोस्तों आप 3% पहले स्टेप में भी आप हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड हो रहा है। देखिए दोस्तों कॉर्पोरेशन के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्या पता है, कॉर्पोरेशन दोस्तों 1959 से, कितने साल हो गए हैं, 65 साल हो गए हैं इंडिया में। दूसरा 1998 में दोस्तों इंडिया में आया था, यहाँ पे कितने हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं दोस्तों, कितना बड़ा बिजनेस हो गया है ना। अभी 110 प्लस कंट्री में ऐसे ही लोग अपने घर में बोर्ड लगा के, किसी के घर में बोर्ड लगा के, वन ऑन करके, फिजिकली डिजिटली लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, है ना, 110 प्लस कंट्री में। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करती है, और UNO के कितनी बार इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, है ना। और 30 डेज की दोस्तों मनी बैक गारंटी है, आप अपने घर में लाएं, 30% तक आप दोस्तों यूज कर लें, अगर आपको अच्छे नहीं लगते 100% दोस्तों मनी बैक गारंटी है। कहाँ ऐसा होता है, आप शॉप पे जाइए, बाहर जाइए अच्छी शॉप पे, वहां पे लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना। अगर आपको कहीं डाउट, आप चेक करिए, बैठिए, आप सारा कुछ दोस्तों क्लैरिटी है। ये छोटी छोटी बातें हमें अगर इस बिजनेस को बड़ा बनाना है तो इतना सा तो हमें पता होना चाहिए। अभी गुरुकुल की बात करते हैं, हाँ दोस्तों अगर आप लाखों बनाना चाहते हैं इस बिजनेस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आप लाखों बनाना चाहते हैं तो इसमें एक चीज आती है सीढ़ी, वो आपको सुननी है, एक दो अपने माइंड में जरूर डालिए, इसको बताइए। दूसरा BCD दोस्तों, आंखों को दिखाइए यार, लाइफ स्टाइल बड़ी गाड़ी कैसी होती है ना, बड़ा घर कैसा होता है, अच्छे कपड़े कैसे होते हैं, है ना, वो कौन दिखाता है, वो दोस्तों वो हमारी तरह ही वो लोग हैं। अभी मैं बात करूं बुक्स की, दोस्तों बुक्स जरूर पढ़िए, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया हो जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। कई बार ना अपलाइन हमें नहीं बताते हैं, लेकिन वो बुक में लिखा होता, कोई किसी को बता सकता है ना, बुक में लिखा आपको फील आ जाता है यार बात तो सही है, है ना। तो इसलिए बुक्स पढ़नी है, हम बड़ा ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बुक्स दोस्तों ऐसी बुक्स हैं, इसमें लाइफ का ज्ञान है दोस्तों। और मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फंक्शन और मीटिंग दोस्तों बहुत जरूरी है, कभी भी स्किप मत करिए, अगर आप स्किप करेंगे टाइम लग जाएगा दोस्तों, स्किप मत करिए, आइए, कोई ना कोई बात आपको वहाँ कोई लीडर की आपको वाइब्रेशन मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों क्या होता है, इसमें VVSs होते हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, वो लोग जिस बिजनेस से जो पैसा बना रहे होते हैं उनको थॉट प्रोसेस हमें मिलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पता लगती है, कैसे यार ये बात किस तरीके से बात करते हैं, कैसे वो बातें करते हैं, है ना। दूसरा फ्री एंटरप्राइजेस डे, जिस दिन कोई बंदा दोस्तों पैसा कमाने की चिंता से मुक्त हो जाता है उस दिन उसकी बातें कैसी होंगी, है ना, ये आपने समझना है दोस्तों, अगर हम उनको सुनेंगे तभी हम लाइन पे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मैंने आपको बताई, है ना, ये चीजें करनी पड़ेंगी अपने थॉट प्रोसेस को बड़ा करने के लिए, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अभी ये बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, कैसे ये न्यू सेल एंड मार्केटिंग प्लान है, मैं उसके बारे में बात करूं दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपने, 100-200 लोगों का नाम लिखना है। क्यों लिखना है, कि आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने उस चीज के लिए करना है, जैसे मैंने 7 रिवार्ड्स लिखे थे, उसमें से आपने एक दो चूज कर लेना है, एक चूज करना है, बस एक चूज करके 100 नाम लिख देने दोस्तों मैं बहुत ढीला आदमी हूँ, मेरी अपलाइन ने मुझे 100 नाम लिखने के लिए यार मैंने 6 महीने लगा दिए थे 100 नाम लिखने, और जिनके मैंने नाम लिखे थे उसका आज वो कोई बंदा नहीं है,
तो डरने की कोई जरूरत है, इसलिए लिख दीजिए। चलिए मैं 10-15 मिनट में क्लियर करूंगा दोस्तों। अभी मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, आपका ड्रीम है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने दोस्तों बीवी से शुरू कर दिया है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ लोगों को कॉल करनी है। कॉल कैसे करनी है मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने कॉल करनी है दोस्तों, इस बुक को पढ़िए, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसमें डायमंड्स जो क्राउन इन्वेस्टर के हैं उनका थॉट प्रोसेस इस बुक में है, हमें अपना लगाने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। तो कॉल करने के लिए ये बुक बहुत जरूरी, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। आप अपना ही फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, आप अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं इस बुक को पढ़ के। चलिए दोस्तों, आपने अपने घर में आपने ज्वाइन किया, आप 3% हो गए। जैसे ही आप 3% होंगे, दो आप 20,000 की 200 पॉइंट आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको 2,000 के करीब मिल जाएगा डिस्काउंट और कैशबैक मिला के आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो मैंने बताया, और आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा 3% के ऊपर, है ना। 3% के ऊपर आप आएंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया यार। बात तो सही है, चलता है, जो बातें बताई यहाँ पे हो गई है ना, छोटी छोटी बातें हैं। तो आपने अकेले शुरू किया था, आपने 6 लोगों को शुरू कराया, आप 7 लोग हो गए। जैसे ही आपने ये किया, आपकी पिन बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, जैसे मैं बताऊं, ये दोस्तों 3% से शुरू हो जाता है और 21% तक जाता है, मतलब आपका परफॉर्मेंस बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा, डिस्काउंट भी मिला, कैशबैक भी मिला, बढ़िया प्रोडक्ट्स मिले। जैसे ही आप 200 पीवी करेंगे, आपको 3% की एक पिन मिलेगी। जैसे ही आपने 7 लोगों को ज्वाइन कराया, 7 लोगों ने 100 पीवी का सामान लिया अपने यूज के लिए, तो कितना हो जाएगा, 700 पीवी हो जाएगा आपका, और आपको पिन यहाँ पे मिलेगी 6%, और यहाँ पे आपका 60,000 का वॉल्यूम होगा। आपने क्या किया, आपको समझ आ गया, आप हो गए, आप जैसे ही आप 6% होते हैं तो आपका जो डार्क सर्कल हो जाता है, मतलब आपको समझ आ जाता है कि ड्रेस कोड भी कोई चीज है, क्योंकि आपकी अपलाइन वहां पे है, वो सारा सेम चीज आप करना शुरू कर देते हैं, डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। ये दोस्तों डार्क सर्कल का मतलब है कि ये सक्सेसफुल, मतलब टच में ग्रोइंग, ग्रोइंग का साइन है दोस्तों ये, मैंने डार्क सर्कल कर दिया है। फिर क्या होता है कि जैसे आप आते हैं, आप 3% जाते हैं, आपके 2-3 दोस्त वो कहते हैं कि यार बढ़िया है, हमें अच्छा लगा मीटिंग में डेमो करके आपने बता दिया, 4 लोग आ गए उससे, बोला कि मेरा भी एक ग्रुप है उसको भी आप बताओ। फिर कनेक्टिविटी दोस्तों एमवे से आपने ऐप डेवलप कर दिया। दूसरी एक बहुत गुड न्यूज दोस्तों, ऐप के बीच में ही लर्निंग आ गई, गोल सेटिंग, VVSS, जो भी आप चाहते हैं आप वहां पे अपनी मर्जी से क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, आपका काम कम हो जाएगा दोस्तों। गुरुकुल के साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर, सिंपल बिजनेस दोस्तों। फिर क्या हो गया, आप 6% हो गए, और आपने क्या किया, मैंने 2-3 घंटे की बात करी, 700 पीवी जब भी, अगर आप 2 घंटे इसमें दिल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके रोज के 14 घंटे हो जाएंगे, टाइम कंपाउंड हो गया। टाइम मैंने बोला था, टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। 700 पीवी हो गया आपके, और 7 लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए, उन्होंने बोला कि यार बात उसे, चलिए आप भी चलते हैं। तो क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता आपने जब किया तो कुछ लोग आपके साथ डुप्लीकेट हो गए, उन्होंने बोला कि हम भी मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में जब आते हैं दोस्तों बिजनेस वहां से बढ़ता है, 2-3 लोग डुप्लीकेट हो गए। तो क्या हो गया जी, 6 लोग आपने अगर कर देते हैं, ये अपने 4-4 दोस्तों को बताते हैं कि ठीक है दोस्तों हम भी करते हैं, चलिए आपने डेमो करके बताया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने बोला कि मेरे 3-3 दोस्तों को बताओ। ये दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, ये आपने समझना है, ये समझ आ गया दोस्तों बिजनेस बहुत बड़ा बनने वाला है। 6 लोग अपने 4-4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो कितने हो जाएंगे, 24, 7 पहले वाले कितने हो गए, 31 परिवार हो गए। 31 परिवारों ने वही चीज करी जो आप कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं वो भी यूज कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, आप मीटिंग में आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। दोस्तों ये जो 31 लोग होंगे, ये अपने लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं 100-100 पीवी का, तो कितना हो जाएगा, 3,10,000 का बिजनेस आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स की बात करी थी, तो 9% 1200 पीवी, 9% और 12% यहाँ पे 2400 पीवी दोस्तों, और एक लेवल जहाँ पे स्टार 15% में जब बात करी थी आपसे, 4000 पीवी के ऊपर दोस्तों स्टार 15% होता है, और जहाँ पे बिजनेस लगभग क्लियर हो जाता है जो लोग चाहते हैं कि कैसे होना। फिर क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही 24 लोग डुप्लीकेशन दोस्तों प्रॉपर, ये आपने ध्यान रखना है अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, वो बहुत सुपर है, फैंटास्टिक है, उनको सब पता चल चुका है, सिल्वर एंड अबव जितने स्टार, मैं तो स्टार 15% अबव भी बोलूंगा दोस्तों, बहुत बढ़िया लोग हैं, इनका क्लियर हो गया होता है। फिर ये 24 परिवार आपने जोड़ दिए, 24 परिवारों ने बोला कि सर हमारे जो दोस्त हैं उनको भी आप प्लान बताओ, फिर ये लोग डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं 24, अगर वो 3-3 लोगों को लाएंगे तो टोटल फैमिली 72 प्लस 31 परिवार पहले वाले, 103 परिवारों को आपने एक ऐसे ही सिस्टम के माध्यम से आपने उनको ये प्लान बता दिया। तो हुआ क्या, 103 परिवार 100 पीवी अगर करेगा तो 10,30,000 का बिजनेस वॉल्यूम होगा आपका,
जिसके ऊपर आपको कमीशन आएगी, कितनी आएगी 21%, 10,000 पीवी 21%। आपने किया क्या, अपने घर के प्रोडक्ट चेंज किए और कुछ फैमिली के प्रोडक्ट आपने चेंज कराए, मतलब उनका एक्सपेंडिचर आपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया, कोई आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उनकी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं कराई, तो क्या होगा उनकी क्लैरिटी होगी। ये देखिए दोस्तों कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉपर इतना ही बनाऊंगा, इतना ही है 643 प्लान है दोस्तों। फिर 10,30,000 तक जिस दिन आपका दोस्तों बिजनेस होगा, आपको 21% पे आपको क्या मिलेगा, 21% पे आपके घर में क्या आ जाएगा, जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी, 1,00,000 रुपये महीने का आपके घर में आना शुरू हो जाएगा, जो मैंने बताया कि 1 से 2 साल लगेंगे, 1 से लेकर 2 साल जब लगेंगे तो आपके आप सिल्वर हो जाएंगे और 1,00,000 रुपये आपको आना शुरू हो जाएगा। पर आपके कुछ दोस्त वो कहते हैं कि बताओ पैसे कहाँ से आते हैं, है ना, पैसे कैसे आते हैं, तो ऐसी ही फंक्शन मीटिंग में जब आप उनको लाओगे तो उनकी क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी, हम खुद नहीं कर सकते। और दूसरा मैं डुप्लीकेशन की अगर बात करूं, ये डार्क सर्कल जो लोग हैं, ये आपकी टीम के लोग हैं, इनको भी वो पता चल चुका है जो आपको पता है, क्योंकि ये कनेक्टिव कनेक्ट है आपके साथ, सिस्टम के साथ कनेक्ट है, हर रोज सुन रहे हैं, हर रोज पढ़ रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, तो क्या होता है नॉलेज आस्ता आस्ता इंप्रूव होती जाती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर है, ऐसे 21% आप जाएंगे, आपके ग्रुप में कोई 6% होगा, कोई 9 होगा, कोई 12 होगा, कोई 15 होगा, कोई 18 भी होगी, आपने 21% जाना है तो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके टीम में अलग अलग पेंच होगी, तो आप क्या चले जाएंगे सिल्वर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सिल्वर जाएंगे, फिर से आपको हस्बैंड वाइफ को ट्रिप मिलेगा 5-star होटल का, स्टार 15% पे आपको 1 दिन का मिलेगा, पर जब आप सिल्वर जाएंगे तो 2 दिन का मिलेगा, 2 दिन 5-star होटल में, और आपको क्या बताया जाएगा कैसे आप इस बिजनेस को और आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना बड़ा अपना सकते हैं, है ना। तो सिल्वर के सिल्वर पे आपको क्या मिला, आपको 1,00,000 रुपया मिला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1,00,000, तो जो आपका जो मतलब जो कॉम्प्रोमाइज था वो टूट गया, आप कहाँ पे आ गए, आप लाइफ ऑफ चॉइस में आपने स्टेप रख दिया, आपका कुछ एक्सपेंडिचर हो गया था, कुछ आपने गाड़ी चलाई थी, कुछ आपने बुक्स दी थी, कुछ आपके प्रोडक्ट्स किसी ने आपको पैसे नहीं दिए, पर क्या हुआ आपने जितना भी खर्चा किया था आपको सारा आ गया, क्या बात है यार, है ना, क्या हो गया आपकी क्लैरिटी होगी। फिर आपके कुछ दोस्त आपके साथ रेडी हो गए, आपकी अपलाइन भी उनको सारा कुछ बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें वो बता रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे 1 महीना करेंगे तो सिल्वर, अगर आप 2 महीने और करेंगे फिजिकल ईयर में तो आप गोल्ड हो जाएंगे, गोल्ड, और 2,00,000 रुपये आप और ऐड कर लो, कितना हो गया 3 हो गया। और जैसे ही आप अगर आपने अच्छे तरीके से अपलाइन की हेल्प से अगर आपने सारी चीजें करी हैं तो क्या होगा 3 महीने अगर आप और करोगे तो आप प्लेटिनम हो जाओगे, प्लेटिनम, और 3,00,000 रुपये आप और ऐड कर लो। तो दोस्तों GIP डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7,50,000 रुपया बचता है दोस्तों, 7,50,000 रुपया, और एक आपको ट्रिप भी मिलता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्लेटिनम हो गए, आपके दोस्त वो कहते हैं कि सर हमें भी जाना है ना, आपकी रिकॉग्निशन होती है, आपको ट्रिप मिलता है। तो इसके बाद मैंने एक बात और करी थी दोस्तों आपको, एक मतलब 21% आपको आ गया, फिर 6% आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जरूर आप बताऊंगा, मैं प्रोफाइल जरूर बताऊंगा आपको कि दोस्तों ये सक्सेस प्रोफाइल है एमबे का। मैं आपको बताऊं जो लोग जहां पे जिन लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन पास करी है, सही लोगों को बताया है, वो आज इस प्रोफाइल में है। तो मैं प्रोफाइल आपको जरूर बताऊंगा, 5-7 मिनट में मैं क्लोज करूंगा दोस्तों। ये दोस्तों सक्सेस प्रोफाइल है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में जरूर, क्योंकि ये प्रोफाइल एक ऐसी दोस्तों चीज है कि हम क्लियर कर सकते हैं किसी को। ये देखिए दोस्तों हस्बैंड वाइफ अकेले काम करते थे, अच्छा पैसा बनाते थे, पर इसकी वाइफ को किसी ने दिखा दिया, इनकी वाइफ को, दोनों ने मिलकर दोस्तों हाथ मिलाया और वंडर्स कर दिए दोस्तों। आज इनके बच्चों को पैसे के लिए कभी जॉब फॉर्म साइन करने की जरूरत नहीं है, है ना, मीता एंड रिकाल मोहंती। ये देखिए दोस्तों इनकी मैं बात कर रहा था, प्रेमत जी, प्रेमत सुनीता एंड प्रेमत सिंह दोस्तों IAS ऑफिसर थे, मैंने पहले भी बात करी है ना, 1,50,000 रुपए सैलरी थी। क्या देख दिया इनको, इनको वही दिखा था कि अगर मैं सही से करूंगा तो मैं एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मैं और बड़े सारे लोगों को फाइनेंशियली फ्री करने में हेल्प कर सकता हूं। मैंने हेल्प अदर भी लिखा था, तो मैं दोस्तों बताऊंगा और बड़े सारे लोग इसमें हैं, मैं आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये देखिए अनुराग एंड निधि अग्रवाल, मैं कहता हूँ कि दोस्तों इसको इनको बार बार सुनिए, एक बार इनको क्या कहते हैं जी, ये निधि जी हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं, उनके अंदर सिम किसी और टाइप का है, ये भी आपको समझना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, है ना। ये देखिए इनके बच्चों को कभी जॉब फॉर्म साइन नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों और बताऊँ, बड़े सारे लोग इसमें हैं इस प्रोफाइल में, पर मैं कुछ लोगों को जरूर मैं बताऊंगा जिनको मैंने सुना है। ये देखिए अशोक पंडित जी, इनके जो अपलाइन है वो धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा जी हैं, उनका बिजनेस उनको बिल्ड करने में समय लग गया, कुछ चैलेंजेस उनको थे, है ना, पर उन्होंने इनका बिजनेस कितनी जल्दी बिल्डअप करा दिया दोस्तों, ये आपने समझना है।
पांच साल में वो प्लेटिनम गए थे और ये पांच साल में डायमंड चले गए। दोस्तों इनका एक्सपीरियंस अगर हम यूज करेंगे तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और मैं थोड़े से आपको बता दूं, हमने इन सबको सुना हुआ है, देखा हुआ है, अच्छा भी लगता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको पढ़ा 2015 में शुरू किया था दोस्तों इन्होंने, बीना देवी एंड महावीर सिंह 2015 में शुरू किया था इन्होंने, और आज डायमंड है। क्या बात है दोस्तों, कितना फास्ट कर गया है ना। ये देखिए नो एज फैक्टर, देखिए दोस्तों है ना, प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया है, वंदना एंड रंजन पार्थी है ना। देखिए दोस्तों एज का कोई फैक्टर नहीं, कोई भी कर सकता है जब मर्जी वो, एज में एज मैटर नहीं करती, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ऊपर कोई आगे वो कोई स्टॉप नहीं है, जब मर्जी वो कर सकते हैं। ये देखिए है ना, इन सबको हमने देखा हुआ है, थैंक्स टू अवर ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हमें कनेक्ट रखा है इनके साथ। अभी इनके साथ मिले हम है ना, गजराज यादव, इन्होंने बताया एक बात मैं आपको बताना भी चाहूंगा। दोस्तों आपको डायमंड जाना है ना, आपको डस्टबिन में जब तक रैपर नहीं ना मिलेंगे आपके गांव में आपके आसपास, तब तक आप डायमंड नहीं जाएंगे। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली, मेरे को क्लिक करी कि यार बात तो सही है ना, वो हमारा काम है। कहां आपको दिख रहे हैं, चलिए दोस्तों आगे मैं बताऊं। ये देखिए सबको हमने सुना हुआ देखा हुआ, इसलिए हमारा विश्वास बढ़ गया। ये देखिए दोस्तों आपने सब सुना है इनको, सरिता एंड ओम प्रकाश यादव जी, इनकी मैम कहती हैं कि मुझे रोटी बनाना नहीं आती पर जब मैं बिजनेस कर लेती हूँ। मैंने सुना था कोई एक बार इनको है ना, इस बिजनेस के रिवार्ड है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बुलाता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हमें प्लान दिखाया पर हमें समझ ही नहीं आया। थैंक यू दोस्तों, आप क्लैप कर सकते हैं इनके लिए, डॉक्टर विजय एंड कैलाश जी, करिए क्लैप एक बार आप इनके लिए। दोस्तों बड़े सारे लोगों की जिंदगी में इन्होंने रंग भरे हैं, और अगर आप इनकी एसोसिएशन में है ना तो 100% दोस्तों आपकी जिंदगी में चेंज आएगा एक दिन। फेद करिए और अपने ऊपर करिए, इनके ऊपर करिए और सिस्टम के ऊपर करिए, 100% सक्सेस है दोस्तों इस बिजनेस में, फेलियर है ही नहीं है। क्लैप कर सकते हैं डॉक्टर विजय एंड कैलाश जसाथिया, फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड। चलिए दोस्तों आगे वाले चैप्टर चलते हैं अभी, कि आप इसमें डायमंड कैसे जा सकते हैं है ना। अभी लास्ट में जहां तक मैंने प्लैटिनम तक आपको बताया था, अभी दोस्तों अगर आपने 3-4 लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, 4-5 लोग आपके साथ टीम में हैं, सब लोगों के ड्रीम चिपके हुए हैं, सब लोग करना चाहते हैं, उसके लिए उसके उसके लिए क्या है, आप अगर 6 महीने और सेम सिल्वर मंथ अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप इसमें फाउंडर प्लैटिनम में जाते हैं, और फाउंडर प्लैटिनम अगर आप जाएंगे तो 6 लाख रुपए और ऐड कर लो। मैं लमसम बता देता हूँ दोस्तों, 15 लाख अबाब बनता है दोस्तों इसमें, और 2 ट्रिप मिलते हैं है ना। तो यही यहाँ यहाँ जहाँ तक पड़ाव ये है, अगर आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, और उसके बाद मैंने 6% की और बात करी थी दोस्तों आपको है ना, उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मतलब एसेट बेस्ड इनकम प्लान की हमने बात करी है ना। एसेट बेस्ड इनकम प्लान कैसे होता है कि आपने सीख लिया बढ़िया से, आपने अपनी आपके अपलाइन ने हमें आपको बता दिया, जहां से एक बंदा अगर आपके टीम में अगर फाउंडर ऑफ प्लेटिनम है तो आपको यहाँ पे 6% रॉयल्टी इनकम आएगी। जो मैंने आपको प्रोफाइल बताई इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो रॉयल्टी इनकम बनाते हैं। अगर आपने 2 लोगों को सही चीजें अपनी अपलाइन की सपोर्ट से, गुरुकुल की सपोर्ट से उनको बताया तो आप यहाँ पे क्या बनेगा आपको, मैं आपको बता दूं थोड़ा। अगर आप एमरल्ड जाते हैं तो 1,80,000-2,60,000 रुपये महीने का आपको बनेगा, ठीक है। अगर आप 6 लोगों को अगर आप ये कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं सिस्टम की हेल्प से, सारी बातें उनको बताते हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और एक बात मैं जहाँ पे लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे मैं जरूर, इसमें एक इनकम क्रिएट होती है परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड और ऑनगोइंग। परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड और ऑनगोइंग, ये बात समझनी है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है। अगर आप 6 लोगों को ढूंढते हैं, अभी एक बात और आ जाती है, ये लोग कहाँ पे हैं किसी को नहीं पता, और हम कहाँ पे हैं हमारे अपलाइन को थोड़ी पता था, और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा बिजनेस रखा उन्होंने, दिखाते हैं आ जाएंगे लोग है ना। अभी 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, हमने सुना उन्होंने कभी प्रवाह ही नहीं की, जाएंगे दिखाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस चलेगा दोस्तों। अभी मैं आगे और बताऊं दोस्तों, इन 6 लोगों की ना बड़ी चिंता होती है, बड़े सारे लोग कहते हैं ये मिलेंगे कैसे। अभी इनका भी एक तरीका है दोस्तों इनको ढूंढने का है ना, आपका ड्रीम है उजागर हो गया, आपने लिख दिया, आपने अपना आपका ड्रीम आइडेंटिफाई हो गया, ड्रीम आपने लिख दिया कि हमारा ये ड्रीम है, और आपकी अपलाइन कहती है न्यू कि आपको 100 रुपया एक नाम लिखने का मिलेगा, 100 नाम लिखोगे आपको 100 रुपया नाम लिखने का मिलेगा, नेम आपने 100 नेम लिख दिए, कितने लिख दिए 100 नेम लिख दिए, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों इनवाइट होता है, बुलाया जाता है, जैसे हमारी अपलाइन ने हमें फोन किया कि सोन जी हमारे घर में आइए, बताया उन्होंने है ना। फिर उसके बाद एसटीपी, शो द प्लान,
जरूरी है ना, इसी से बीच में से लोग निकल के आते हैं। फिर आ जाता दोस्तों इसमें फॉलो अप, मिलना। फॉलो अप का मतलब होता है कि मिलना उनको, वो बात जो आपने बताई है वो उनको भूल ना जाए, और इसके लिए 48 आवर रखे हुए उन्होंने। जैसे कि दोस्तों हम 100 प्लान लगातार करेंगे, 100 प्लान जो बताया जाता है वो करेंगे, तो 100 प्लान दिखाते दिखाते अगर आप चार फैमिली आपको मिल जाती हैं विजनरी ड्रीमर, तो दोस्तों बिजनेस हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, जो काम आप अकेले कर रहे थे वो काम चार पांच लोग और करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बड़ी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है इस बिजनेस में, इस बात को समझना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो मेरा आज का प्रेजेंटेशन मेरी आज की यही थी, मैं कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं कर दिया, टाइम वैसे बराबर है पूरा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा सिंपल सा प्लान था, और इसी प्लान से दोस्तों डायमंड गए हैं लोग, इसी प्लान से दोस्तों क्राउन इन्वेस्टर गए हैं, हमें अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि ये जो प्लान हमने दिखाया, थैंक्स टू आवर ग्रेट अपलाइन, फिर से डॉक्टर दिनेश जी एंड कंचन मैम जिन्होंने हमें फोन किया, और थैंक्स टू विजय सर जिन्होंने हमारे हाथ में ये मार्कर पकड़ाया और चलाना सिखाया, इस मार्कर को कैसे चलाना। मैं तो दोस्तों को पहली बार जब उन्होंने दिया तो मैं कुछ भी नहीं लिख पाया था, तो कोई बात नहीं, आपके साथ भी ऐसा होगा, अगर आपकी अपलाइन आपके हाथ में मार्कर दे रही है ना, तो दोस्तों इस मार्कर से ना आप अपना फ्यूचर लिख सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू प्रवीण जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए, और मैंने पहले ही आपसे बात कही थी कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।